अंदर आओ। ठीक है सर। अशफाक जी, अब्बू को शायद कोरोना हो गया है, सांस भी रुक रही है। तुम फौरन एम्बुलेंस अरेंज करके उनको हॉस्पिटल ले जाओ। सर, हॉस्पिटल की हालत क्या आप जानते नहीं? मारना हो तो ले जाइए। रॉयल हॉस्पिटल ले जाओ, वो प्राइवेट है। हाँ, वो हॉस्पिटल सही है, उसकी रिपोर्ट भी सही है, वो सेलिब्रिटी हॉस्पिटल है, मगर उसकी फीस पर बेड 10 लाख है और आईसीयू 14 लाख। 10 करोड़ क्यों ना हो, आखिर वो मेरे वालिद हैं और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं आधा शहर खरीद सकता हूं। फौरन रॉयल हॉस्पिटल मूव करो। फातिमा, तुम बड़ी दीनदार खातून हो, इसलिए तुम रहम दिल भी होगी, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे अब्बू से रिलेटेड हॉस्पिटल का जितना फॉलो अप है वो आप करें। जी सर, आप बेफिक्र रहिए। अब तुमसे क्या छुपाना, देखा तुमने 3 दिन से वालिद बीमार है और उसने मुझे बताया तक नहीं। 75 साल के हैं वो। ये हैं हमारी बीवी की हरकतें, बस शॉपिंग, चैटिंग और गीबतिंग। तो क्या सर, आप अपने वालिद से 3 दिन से घर पर नहीं मिले? हाँ, मैं आउट ऑफ टाउन था। क्या बताऊं, इतना कमाया है लेकिन कोई नहीं है मेरे पास कि मैं जिस पे भरोसा करूं। कोई ऐसा वारिस हो जो मेरी इस दौलत को अल्लाह की राह में लगाए और जो मेरा हमदर्द हो। मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ दीन के लिए करूं, लेकिन किसके साथ? अरे कोई तो हो जो शरीक हो मेरे इस दीनी काम में। सर, अगर अल्लाह के लिए कुछ करना है तो अल्लाह से बड़ा साथी कौन है? हाँ वो तो है, लेकिन कोई तो चाहिए जिससे इंसान अपने दिल का दर्द बयान कर सके और उसके दिल को सुकून पहुंचे। हाँ, मैं बिजी था एक नए प्रोजेक्ट पर। देखिए, मेरी तबीयत खराब है, मुझे लगता है मुझे कोरोना हो गया है। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम कीजिए और सुनिए, करीम को अपने साथ रखिए। ठीक है, मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ और करीम का भी कुछ करता हूँ। ठीक है सर, फिर क्या 2 बेड का अरेंज करूँ मैं? हाँ। अल्लाह रहम करे सर, आपकी वाइफ और अब्बू को एक साथ? दूसरी कौन, मोसिना मैडम? हाँ। फातिमा, अब तुम जाओ और अब्बू के लिए प्रोटोकॉल्स बनाओ। जी सर। हाँ देखो, तुम एक काम करो, करीम को अपने घर ले जाओ। नासिर साहब, क्या कह रहे हैं आप? ये अचानक 8 साल का बच्चा खामा खाई एक नई फाइल खुल जाएगी और एक इंडियन फिल्म की स्क्रिप्ट बन जाएगी। मैं ये कैरेक्टर नहीं कर सकता। तो फिर कहां ले जाऊं? अजमल टॉन, हीना मैडम के पास। तेरा दिमाग खराब है क्या? हीना को रुखसार का नहीं पता है और रुखसार को हीना का नहीं पता है। इन दोनों को सिर्फ जारा का पता है, समझे? सर, आपने अपनी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 3 कांधे तो तैयार हैं, बस अब 4th लगाने के चक्कर में हैं आप। तू नहीं समझेगा, फिलहाल इस वक्त तू करीम को लेके अपने घर चला जा। अरे सर, मेरे घर में क्या कयामत बर्पा करना है आपको? ठीक है, बता दूंगा, आपका कारनामा है ये। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीवी मेरी बीवी से घंटों बातें करती है फोन पर, उगल दिया तो जारा सारा नजला मेरे ऊपर निकालेगी। इस कोरोना ने तो सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, तुम जाओ। फातिमा। यस सर। वो ईमेल प्रिंट्स लेके आना। जी सर। सर कुछ खास नहीं, लंदन से मिस्टर हेनरी का ईमेल आया है। फ्लाइट्स आर ओपन, व्हेन आर यू प्लानिंग टू विजिट?
मैं लंदन जाने का डिले करता रहता हूँ। पता है क्यों फातिमा? क्यों सर? कोरोना? कोरोना कोरोना नहीं है, वहां का माहौल बहुत खराब है। वहां हर तरफ बेहया औरतें, मुझे तो नजर नीची करके वॉक करना पड़ता है। एक बार तो मैं एक रिक्शे से टकरा गया। सर लंदन में रिक्शा भी चलते हैं? वो हाँ हाँ, वो क्वीन से मिलने गया था ना उसके पैलेस में, वो जो रिक्शा चुरा के ले गई है कोहिनूर हीरे के साथ, उसकी बात कर रहा हूँ। महारानी विक्टोरिया सर? हाँ, खैर मैं ये कह रहा था कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है, मेरा ईमान, मेरा तकवा, ये सब खतरे में पड़ जाता है। सर तो आप अपनी मिसेज के साथ चले जाएं, वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। अरे वो तो चांदनी चौक तक नहीं जाएगी मेरे साथ, उसे अपनी माँ बहनों से फुर्सत मिले तो ना, या तो मुझे पूरी फ्लाइट बुक करके उसके सारे मैके वालों को साथ ले जाना होगा। यही तो दर्द है मेरा, तन्हा तन्हा, बस जिंदगी में तन्हा हो गया हूं। सर सॉरी, मैंने आपकी मिसेज का नाम लिया, रियली सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो ये लगता है कि बस तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल का सारा दर्द बयान कर सकता हूं। फोन सर, आई अभी। ये फोन भी हमेशा गलत वक्त पर ही आता है। सर जामा मस्जिद से कॉल आया था, इमाम साहब कह रहे थे 10,000 लोग जॉबलेस हैं, अगर फूड पैक अरेंज हो जाए तो। हाँ हाँ तो ठीक है, अब्बू के नाम का सदका कर दो, लेकिन एक बात समझ लो, सारे पैकेट्स पर हमारा लेबल लगा होना चाहिए, चौधरी एंड सन्स, समझ गए? जी समझ गया। सिर्फ अब्बू का सदका और सार भाभी का नहीं। तू बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में, इसलिए मुझको तुझसे डर भी लगता है कभी कभी। तू बड़े दर्द सुनता है, कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ता है कभी? हाँ, इस्लामिक स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। तो तुम्हें पता होगा तारीख इस्लाम में बहुत से ऐसे सहाबा गुजरे होंगे जिन्होंने अपने से बहुत कम उम्र की औरतों से शादी की होगी। हाँ बहुत से। कम से कम कितना एज डिफरेंस होगा? कुछ में 40 साल का भी है। ओहो, यानी कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें 25 साल से ज्यादा का गैप रहा होगा। जी बहुत से। ठीक है तुम जाओ। जी। अपनी ऊंची हरकतों पर दिन के नाम का स्टैम्प लगाना जरूरी है। क्यों, क्या हुआ भाई? ये जब तक रुस्वा नहीं होंगे अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बड़े लोगों के बड़े फितने हैं भाई, अल्लाह महफूज रखे इन बलाओं से, लगता है ठोकर खाके ही सुधरेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, चलो देखते हैं। अरे सलाम अब्बू, आप? मैं भी आया था हॉस्पिटल को, मैंने बाहर से देखा आपको, अंदर जाने की परमिशन नहीं थी ना इसलिए। बेटे मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुन ले। शायद शायद ये मेरी तुझसे आखिरी बात हो। अब्बू कुछ नहीं होगा आपको। देख बेटा, तूने इस दुनिया से बहुत बहुत गहरा रिश्ता जोड़ लिया है, और अपने रब से रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए इसलिए तुझे बहुत की फिक्र नहीं है। लेकिन बेटा, मौत तो दुनिया से रिश्ता तोड़कर अपने रब से जबरदस्ती जोड़ देती है। फिर कहीं ये ना हो कि इंसान अपने मालिक के सामने शर्मिंदा हो जाए। अरे अब्बू आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे नहीं बेटा,
मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए परेशान हूं। शायद शायद हमारा ये रिश्ता टूटने का आखिरी वक्त आ गया है। अरे तू जरा सोच, तू अपने बाप के आखिरी वक्त में उसके सिरहाने भी नहीं होगा, और शायद शायद तू दफन भी ना कर पाएगा अपने हाथों से मुझे। देख ये जालिम दुनिया, यहां कोई किसी का नहीं है, तो मरने से पहले ये सारे रिश्ते तोड़ दे बेटा, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मौत किसी वक्त भी आ जाए और चाहे कैसे भी आ जाए, और क्योंकि तू अपने रब से जुड़ चुका है पहले ही। अब्बू आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह मैं अल्लाह को ना ही उसके दीन को कभी छोड़ूंगा, आप बेफिक्र रहें। तू नहीं समझेगा, मुझ गुनाहगार में इतनी तासीर रही है, और शायद कोई पाकीजा नफ्स ही तुझे समझा सके। अब्बू आप ठीक तो है ना? क्या हुआ अब्बू? अशफाक हॉस्पिटल कॉल करो, ऐसा लग रहा है कि अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैंने सारा घर डिसइंफेक्ट करवा दिया है, मैंने रॉयल हॉस्पिटल से सारे बच्चों का कोरोना टेस्ट करवा दिया है और सबका नेगेटिव आया है, सिर्फ आप बाकी हैं। अरे सीधा सीधा ये बोल दो कि घर पे मत रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ आपके तो और भी घर है ना? देखो मैं अब्बू को लेकर वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, ठीक है? अहमद सुल्तान, देखो शहर के हर मस्जिद के मौलाना के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दो और उनसे कहो कि अब्बू के अलावा किसी और के लिए कोई दुआ नहीं करनी है, ठीक है? डैड 10-10 हजार रुपए कुछ कम नहीं है? नहीं तो 5 हजार रुपए लेकर जो टीवी पे गालियां सुनते हैं उनको दुआओं का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो 5 हजार रुपए में सारे टीवी चैनल पर दुआएं करवा देंगे। ठीक है डैड, ठीक है। दादा की तबीयत पहले से बेहतर है और हमने उन्हें डॉक्टर से भी चेक करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी उनका क्या हाल है? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? सारी रिपोर्ट मिल जाती है, ज्यादा खुश मत हो, कल डिस्चार्ज हो रही है। मेरी बला से हुँ।
फातिमा, एक्सीलेंट जॉब। मुझे रिपोर्ट मिली है कि वीकेंड पर भी तुम हॉस्पिटल से कांटेक्ट में थी और प्रॉपर अपडेट लेती रही हो। सर, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अब आपके वालिद भी तो मेरे वालिद जैसे हुए ना। वाह, आखिर रिश्ता जोड़ ही लिया आपने। क्या सर? कुछ नहीं, वैसे मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ तो आप रिप्लाई नहीं करती हैं। सर, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करती हूँ और ना ही मेरे पास स्मार्टफोन है, बस ये छोटा सा फोन है। अब्बू ने कहा था कि शादी से पहले कोई स्मार्टफोन नहीं और शादी के बाद शोहर की मर्जी। 25 साल तो एज होगी आपकी ना? जी सर। तो शादी का कोई इरादा नहीं है?